चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं अर्थशास्त्र का जो सबसे इम्पॉर्टेंट किताब है माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसका लेक्चर प्रथम से शुरुआत करने जा रहा हूँ और सिस्टम से एक कड़ी से लेकर कड़ी की ओर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। जो अर्थशास्त्र का लेक्चर वन है, मैं इंडियन इकोनॉमी भी शुरुआत कर सकता था, लेकिन जो आपकी तैयारी के लिए ये किताब सबसे कठिन मानी जाती है, इसलिए मैं इस किताब को उठाया हूँ और सबसे ज़्यादा प्रश्न भी इसी किताब से आता है। तो देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, पहले हम इसे जान लें तब फिर हम आगे बढ़ें। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, छोटा। जब हम किसी भी व्यक्ति के, किसी भी एक पर्सन के व्यक्ति के या एक व्यक्ति के संपूर्ण आर्थिक गतिविधियों का हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। अगली चीज, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में जो सबसे पहले अंतर किया गया, जिसने अंतर किया वो रेगनर फ्रिश थे। रेगनर फ्रिश अर्थशास्त्री ने ये दोनों शब्दों को अलग किया, व्यष्टि और समष्टि को, और यहाँ माइक्रो का मतलब किसी एक व्यक्ति के संपूर्ण आर्थिक गतिविधियों के अध्ययन से है। अब यहाँ जरा समझिए, इस सिद्धांत में मांग का सिद्धांत या उपभोक्ता का व्यवहार सिद्धांत, मतलब उपभोक्ता दी हुई कीमत पर कैसे व्यवहार करता है बाजार में, क्या क्या प्रतिक्रियाएं करता है, इस सब चीज़ों के हम चर्चा करेंगे। इसी कड़ी में सबसे पहला प्रश्न जो आता है वो है मांग की, डिमांड किसे कहते हैं, मांग क्या है, मांग किसे कहते हैं, डिमांड है क्या, ध्यान से समझिए। मांग, देखिए मांग का मतलब, ये टीजीटी पीजीटी में प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि मांग क्या है, तो जरा समझिए कि आपके दिमाग में आता होगा कि आवश्यकता की पूर्ति करना ही मांग है, इट इज इम्पॉसिबल। मांग के लिए कुछ चीजों का होना जरूरी है, जिसमें तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज होनी चाहिए आपके मन में इच्छा, दूसरी चीज होनी चाहिए क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर, तीसरी चीज होनी चाहिए यूटिलिटी, उपयोगिता। इसे समझिए, ये तीन चीजें आपके पास जब तक नहीं होगा, दुनिया में आप किसी चीज की मांग नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, जैसे आप रात में सोए हुए हैं, सुबह आँख खुल गई और आपका दिल कहा कि हम रसगुल्ला खाएंगे, चलिए आपके मन में सबसे पहले क्या आ गया, इच्छा। सबसे पहले क्या आ गई, इच्छा कि रसगुल्ला खाएंगे। अब आप क्या करेंगे, रसगुल्ला खाने के लिए दुकान जाएंगे। आप दुकान चले गए और आपने दुकानदार से कहा, भैया हमको दो पीस रसगुल्ला दे दो। उसने आपको रसगुल्ला दे दिया, और जब उसने आपको रसगुल्ला दे दिया तो आपसे ने पूछा कि इसकी कीमत कितनी है, तो उसने कहा, भैया ये 20 रुपए का एक पीस रसगुल्ला है, 20 रुपए का एक पीस रसगुल्ला है। और आपने जेब में हाथ डाला और पता चला पर्स को घर में भूल गए, और यदि आप पर्स को घर में भूल गए तो आप रसगुल्ला खाने से वंचित हो जाएंगे, इसलिए आपके पास होनी चाहिए क्रय शक्ति, मुद्रा। चलिए अच्छा, आपके पास मान लो इच्छा भी है, क्रय शक्ति भी है, लेकिन आप शुगर के पेशेंट हैं, और आप शुगर के पेशेंट हैं तो आपके लिए उपयोगी नहीं है,
तब भी आप रसगुल्ला की मांग नहीं करेंगे। किसी भी वस्तु की मांग के लिए ये तीन चीजों का होना अति आवश्यक है। पहला क्या होनी चाहिए? इच्छा, साथ में क्रय शक्ति और उपयोगिता। इच्छा भी हो, उपयोगिता भी हो, क्रय शक्ति ना हो तब भी आप मांग नहीं करेंगे। क्रय शक्ति हो, उपयोगिता हो, इच्छा ना हो तब भी आप मांग नहीं करेंगे। तो हम मांग की परिभाषा कैसे करेंगे? इच्छा, क्रय शक्ति और उपयोगिता के साथ ही किसी भी वस्तु की जब मांग की जाती है तो उसे हम मांग कहते हैं। इच्छा के अनुरूप क्रय शक्ति के साथ यदि किसी वस्तु की मांग की जाती है तो उसे हम मांग कहते हैं। इसे आप नोट कर लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। मांग को निर्धारित करने वाले कारक, मांग को क्या क्या निर्धारित करता है इसकी हम पहले बात करें। मांग को निर्धारित करने वाले कारक, मांग को निर्धारित करने वाले कारक, ध्यान से समझिए बच्चों कि मान लीजिए dx कोई वस्तु की मांग है इक्वल टू फंक्शन ऑफ px ya py और ta its। मार्शल ने 1890 में इस बात को बताया कि मांग को कौन कौन से चर निर्धारित करेंगे। यहाँ dx का मतलब कि x की मांग और यहाँ f का मतलब फलन संबंध, यहाँ px का मतलब x की कीमत और यहाँ y का मतलब आय इनकम और यहाँ py का मतलब अन्य वस्तु की कीमत। यहाँ ta का मतलब कि स्वाद, उपभोक्ता का स्वाद। दुनिया में किसी भी वस्तु की मांग करने के लिए इतने चरों से वो प्रभावित होता है। dx x की मांग, फंक्शन माने संबंध, px का मतलब x वस्तु की कीमत, वाई ये उस उपभोक्ता की आय, अब पी वाई अन्य वस्तु की कीमत और उसके बाद टी ए स्वाद। किसी भी वस्तु की मांग के लिए इतने चरों की जरूरत पड़ती है और इतने चर से एक वस्तु की मांग प्रभावित होती है। कैसे प्रभावित होती है इसकी हम लोग बात करते हैं आगे। इसे आप नोट कर लीजिए तत्काल, फिर इसे हम मिटा देते हैं और आगे हम इसकी बात करते हैं। dx is equal to function of px ya py ta। किस तरह से ये प्रभावित करता है इसकी हम बात करें, बहुत महत्वपूर्ण है ये। हर बार प्रश्न TGT PGT में आता है। dx is equal to function of px py
पी वाई, वाई ए और उसके बाद पी ए इधर कर दीजिए और इधर डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स पी वाई वाई ए पी ए। ध्यान से समझिए, यहाँ पर हम केवल एक्स वस्तु की कीमत को चेंज करेंगे और बाकी सबको कांस्टेंट करेंगे। ये बार लगा दे रहे हैं, इसका मतलब कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, मतलब केवल कीमत परिवर्तन होगा तब क्या मांग पर प्रभाव पड़ेगा। और इधर ध्यान दीजिए, यहाँ कीमत को कांस्टेंट कर दे रहे हैं, बाकी सब चेंज है, ये परिवर्तन है, इसमें परिवर्तन होगा और यहाँ पे केवल कीमत में परिवर्तन होगा और ये सारे कांस्टेंट हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। तो ध्यान से समझिए चीजों को, वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि केवल कीमत घटती बढ़ती है तो इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से आपको बता दें, तब क्या होता है, वाई ओ एक्स, ये डिमांड कर्व है, ये पी पी वन प्राइस है, ये क्यू क्यू वन क्वांटिटी है और ये ई से ई पॉइंट तक जाना है। तो ये हो गया आपका मांग रेखा, डिमांड कर्व। और ध्यान दीजिए, इधर की ओर जाना और इधर की ओर आना, मतलब कीमत घटने बढ़ने से जो मांग घटती बढ़ती है उसे मांग का विस्तार या मांग का संकुचन कहते हैं। ये प्रश्न आ चुका है, हर साल ये प्रश्न पूछा जाता है। जरा बात को समझो, किसी उपभोक्ता की आय स्थिर है, आय स्थिर है, स्वाद स्थिर है और अन्य वस्तु की कीमत को भी हम स्थिर कर दे रहे हैं, केवल एक्स वस्तु की कीमत परिवर्तित कर रहे हैं। यदि केवल एक्स वस्तु की कीमत परिवर्तित होती है, जिसके कारण देखो कीमत इतनी है तो मांग इतनी है और कीमत बढ़ गई तो मांग घट गई, यदि कीमत में परिवर्तन से मांग में परिवर्तन होता है तो उसे मांग का विस्तार या मांग का संकुचन कहते हैं। आगे आइए, इधर ध्यान दीजिए, यहां हमने कीमत को क्या कर दिया, स्थिर कर दिया और अन्य वस्तु की कीमत, स्वाद और जो है इनकम को हम परिवर्तित कर दे रहे हैं। इधर ध्यान दीजिए, इसका क्या होगा, ये मैं एक डायग्राम के माध्यम से चीजों को समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मान लीजिए कि यदि किसी उपभोक्ता, ये Q1 है मांग है, ये प्राइस देखो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया और अन्य वेरिएबल जो चर हैं ये चेंज हो गए, E से E1 E2 गया। तो जरा समझिए इसे क्या बोलेंगे, मांग में वृद्धि, मांग में वृद्धि या कमी। चीजों को समझिए, फिर से पुनः समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। डी एक्स फंक्शन ऑफ पी एक्स वाई ए पी वाई टी वाई, यहां डी एक्स किसी एक्स वस्तु की मांग है, एफ का मतलब फलन है, संबंध है, पी एक्स का मतलब एक्स वस्तु की कीमत है, वाई ए का मतलब किसी व्यक्ति की इनकम है, पी वाई का मतलब कि अन्य वस्तु की कीमत है, टी ए का मतलब स्वाद, किसी अन्य वस्तु की स्वाद की बात हो रही है। फिर मैंने आपसे बताया इधर नीचे कि हमने क्या काम किया, कीमत को केवल परिवर्तित कर दिया और कीमत परिवर्तन करने के बाद अन्य चर को स्थिर कर दिया। कीमत देखिए घट बढ़ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है,
कीमत घटने बढ़ने से ये मांग वक्र हो गया। कीमत घटने और बढ़ने से यदि मांग का घटती और बढ़ती है, देखो बढ़ गई तो की मांग कम हो गई और कीमत घट गई तो मांग ज़्यादा हो गई। कीमत घटने और बढ़ने से यदि मांग घटती और बढ़ती है तो उसे मांग का विस्तार या मांग का संकुचन कहते हैं। इधर आ जाइए, इधर कीमत मतलब एक्स वस्तु की कीमत को हमने फिक्स कर दिया और अन्य वेरिएबल को हमने परिवर्तित कर दिया। जब कीमत फिक्स होने से और अन्य वेरिएबल के कारण मांग घटती बढ़ती है, जैसे किसी की इनकम बढ़ जाए तब मांग बढ़ जाएगा, स्वाद बढ़ जाए तब मांग बढ़ जाएगा। इनकम बढ़ जाने से, स्वाद बढ़ जाने से यदि मांग बढ़ जाती है, इनकम बढ़ना जाने से, स्वाद बढ़ जाने से, अन्य वस्तु की कीमत से यदि मांग प्रभावित होती है तो उसे मांग का वृद्धि एवं संकुचन कहते हैं। इस डायग्राम को बना लीजिए, समझ लीजिए, फिर आगे की ओर हम बढ़ते हैं। मार्शल के नियम की हम लोग चर्चा करते हैं। बना लीजिए बच्चों, जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम लोग। हेडिंग बनाइए मार्शल द्वारा प्रतिपादित मांग का नियम। मार्शल कहते हैं कि मांग को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों को स्थिर मानते हुए किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है और कीमत घटने पर मांग घटती है। ध्यान से समझिए, मार्शल कहते हैं कि किसी अन्य कारकों को कांस्टेंट मानते हुए, स्थिर मानते हुए यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घटती है। पी का मतलब प्राइस, डी का मतलब डिमांड। और प्राइस घटने पर, कीमत बढ़ने पर मांग घटती है, कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। ऐसा मार्शल का मानना है कि अन्य बातें स्थिर होने पर। तो मार्शल ने यह परिभाषा दिया कि मांग को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों को स्थिर मानते हुए किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग घटती है और कीमत घटने पर मांग घटती है, ऐसा मार्शल का मानना है। अब आगे हम ये समझेंगे कि कीमत घटने और बढ़ने से आखिर मांग क्यों घटती और बढ़ती है, तो इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। इस परिभाषा को आप नोट कर लीजिए। मांग का नियम, मांग का नियम
होता है कि कीमत घटने और बढ़ने से मांग क्यों घटती और बढ़ती है? कीमत घटने और बढ़ने से मांग क्यों घटती और बढ़ती है? तो ध्यान से समझिए, Px बटे Py, मतलब Px x वस्तु की कीमत और Py y वस्तु की कीमत। अब जरा समझिए, ये सापेक्षिक रूप से, अगर प्राइस गिर गई तो सापेक्षिक रूप से, सापेक्षिक रूप से x की मांग बढ़ेगी, x की मांग बढ़ेगी, मांग में वृद्धि होगी। जरा समझिए, यदि x की कीमत गिर गई तो अन्य वस्तु की कीमत के सापेक्षिक रूप से x की मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब देखिए, x की मांग बढ़ गई तो इसे हम कहेंगे प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव, इधर आइए। अब जब कीमत गिर जाएगी तो व्यक्ति की वास्तविक आय, जो रियल इनकम है, वो बढ़ जाएगी। वास्तविक आय में वृद्धि हो जाएगी, और जब वास्तविक आय में वृद्धि हो जाएगी, उसकी कीमत गिरने से रियल इनकम बढ़ गई, सापेक्षिक रूप से अन्य वस्तु की कीमत की तुलना में कीमत गिर गई, और जो कीमत जितनी गिरी उसकी रियल इनकम उतनी बढ़ गई, तो वास्तविक आय जो उसकी रियल इनकम है वो बढ़ जाएगी, जिसके कारण मांग में वृद्धि हो जाएगी। मांग में वृद्धि हो जाएगी, तो इसे बोलते हैं आय प्रभाव। आय प्रभाव, जरा समझिए, यहाँ सापेक्षिक रूप से कीमत गिरने से एक्स की मांग बढ़ी अन्य वस्तु की तुलना में, तो ये प्रतिस्थापन प्रभाव रहा, और कीमत गिरने से उसकी रियल इनकम बढ़ी, जिसे आय प्रभाव बोलते हैं। इसीलिए कहते हैं कीमत प्रभाव इज कल टू प्रतिस्थापन प्रभाव प्लस आय प्रभाव। आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव दोनों मिल करके क्या बनाता है? प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव दोनों मिल करके कीमत प्रभाव बनाता है। प्रतिस्थापन प्रभाव, फिर से समझ लीजिए, मांग का नियम क्यों, मतलब कीमत गिरने या बढ़ने से मांग क्यों गिरती बढ़ती है? तो देखिए, एक पीएक्स है, एक वस्तु की कीमत पीवाई एन, तो सापेक्षिक रूप से अन्य वस्तु की कीमत के तुलना में एक्स वस्तु सस्ती हो गई, जिसके कारण इसकी सापेक्षिक रूप से मांग बढ़ गई, जिसे हम प्रतिस्थापन प्रभाव करेंगे। आप वाई के स्थान पे एक्स का प्रतिस्थापन करेंगे। अब जब कीमत गिर गई तो जो आप रियल में कीमत देना चाह रहे थे उससे कम दिए, तो आपकी रियल इनकम बढ़ गई, जिसके कारण मांग बढ़ गई, तो इसे आय प्रभाव कहेंगे। इसलिए कीमत प्रभाव इज इक्वल टू प्रतिस्थापन प्रभाव प्लस आय प्रभाव। आगे हम बढ़ते हैं, अब हम लोग मांग का सिद्धांत पढ़ेंगे। मांग का सिद्धांत कौन कौन से सिद्धांत है? तो अगला पढ़ेंगे सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत। दूसरा पढ़ेंगे अनधिमान वक्र का सिद्धांत।
यजुर्वेद ने इसको दिया था, इसी को तटस्था वक्र भी बोलते हैं या तटस्था इंडिफरेंस कर्व, तटस्था वक्र का सिद्धांत इसको किसने दिया था? देखिए दिया तो यजुर्वेद ने है, इसे दिया तो यजुर्वेद है, लेकिन मान के सिद्धांत में इसको हिक्स और एलन ने प्रयोग किया। इसे किसने दिया? मार्शल। इसे किसने दिया? हिक्स एलन, हिक्स प्लस एलन। और अगला है उद्घाटित, उद्घाटित, उद्घाटित अनधिमान का सिद्धांत, अनधिमान का सिद्धांत। और इसको दिया किसने है? सैमुएलसन ने, सैमुएलसन ने दिया। ये तीन सिद्धांत हम मान के सिद्धांत में पढ़ेंगे। आप पेपर उठा के देखिएगा, 2016 पीजीटी में भी ये प्रश्न पूछा गया है कि अनधिमान वक्र का, उद्घटित अनधिमान वक्र का सिद्धांत किसने दिया? तो सैमुएलसन ने दिया। अब यहां सीमांत उपयोगता सिद्धांत की बात मार्शल करते हैं। अनधिमान वक्र सिद्धांत का दिया तो यजुर्वेद ने है, लेकिन मान के सिद्धांत में इसका प्रयोग हिक्स और एलन ने किया, इसलिए हिक्स और एलन के नाम से यह सिद्धांत जुड़ जाता है। अगला है उद्घटित अनधिमान का सिद्धांत, इसको किसने दिया? सैमुएलसन ने दिया। अब इसके बाद हम लोग एक एक सिद्धांत की चर्चा करेंगे। पहले हम सीमांत उपयोगता का सिद्धांत पढ़ेंगे, फिर इसकी पढ़ेंगे, फिर इसका पढ़ेंगे, जैसे क्रम से हम पढ़ रहे पढ़ते रहेंगे, और इसी क्रम में जैसे प्रश्न बन रहे हैं उसकी भी हम, जैसे ही ये मान का सिद्धांत समाप्त होगा, आपको यहीं पे मैं वीडियो में आपको जितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं टॉपिक बाय टॉपिक बताता चलूँगा, डिस्कस भी करूँगा, समझाता भी चलूँगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम अगला सिद्धांत की बात करेंगे जिसका नाम है सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत, सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत, इसको किसने दिया? मार्शल ने। देखिए ये टॉपिक टीजीटी पीजीटी दोनों में कॉमन है और सिद्धांत वही है। आगे हम लोग बढ़ेंगे सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत, इसमें हम दो चीजों की बात करेंगे, उपभोक्ता का संतुलन और मान के नियम की व्याख्या। इसमें हम क्या बात करेंगे? उपभोक्ता का संतुलन, कहां पे उपभोक्ता संतुलन में होगा? उपभोक्ता का संतुलन। और इसी में हम अगला बात करेंगे मान की नियम की व्याख्या, मान की नियम की व्याख्या व्याख्या करेंगे। देखिए कोई भी सिद्धांत माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं तो कुछ मान्यताएं होती हैं, मतलब ये जो मान के सिद्धांत की जो कंडीशन होगी, ये सीमांत उपयोगिता के सिद्धांत की कंडीशन होगी, वो कुछ मान्यताओं पर आधारित होगी। उस मान्यताओं को मद्देनजर रखते हुए हम सिद्धांत की व्याख्या करेंगे। तो मार्शल ने जो मान्यताएं मांगनी है वो इस प्रकार है। मार्शल कहते हैं उपयोगिता, पहली मान्यता इन्होंने मांगा कि उपयोगिता को मापा जा सकता है, मापा जा सकता है। इन्होंने बताया कि जो भी वस्तु का व्यक्ति उपभोग करेगा उसमें जो यूटिलिटी होगी उसको मापा जा सकता है, मापनी बताया। और दूसरी जो इन्होंने एक मानता लिया कि उपयोगिता एक गणनावाचक माप है, उपयोगिता एक गणनावाचक माप है, गणनावाचक माप है, याद रखना ये प्रश्न पूछा जाता है, गणनावाचक।
मार्शल ने कहा उपयोगिता मापनी है और यह एक गणनावाचक माप है। और अगली इन्होंने जो माप लिया, सबसे जो साहसपूर्ण मान्यता लिया कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता उपयोगिता स्थिर मानी जाती है, स्थिर मान लिया। ताकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर हम पानी की बात करें तो पैसे की पानी की उपयोगिता अलग हो जाएगी, लेकिन इन्होंने एक साहसपूर्ण मान्यता लिया इसे कि जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है वो स्थिर है। और इन्होंने बताया अगली जो इन्होंने मान्यता लिया कि विभिन्न वस्तुओं से मिलने वाली उपयोगिता भिन्न है, विभिन्न वस्तुओं से मिलने वाली उपयोगिता भिन्न है। इन्होंने बताया कि सभी वस्तुओं से जो मिलने वाली उपयोगिता है वो भिन्न है। और ये बताया कि उपयोगिता जब भिन्न है तो इसका हम योग कर सकते हैं, योग। इसलिए अर्थात उपयोगिता योगात्मक है। मतलब उपयोगिता क्या है, योगात्मक है। तो जरा फिर से ध्यान दीजिए, फिर इसके आगे मैं अगली वीडियो में इसका विस्तार से चर्चा करूंगा। इसमें आप यही समझिए कि सीमांत उपयोगिता सिद्धांत को मार्शल ने दिया और इन्होंने उपभोक्ता की संतुलन की बात कही और मांग की नियम की व्याख्या की बात कही और ये बताया कि उपयोगिता मापा जा सकता है और उपयोगिता एक गणनावाचक माप है और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर है, ये पूछा जाता है। और कभी कभी यही प्रश्न बनाएगा कि इसमें कौन सी मान्यता मार्शल की नहीं है। अगला इन्होंने बताया कि विभिन्न वस्तुओं से मिलने वाली उपयोगिता जो होती है भिन्न भिन्न होती है और इसका हम योग कर सकते हैं। तो आज की क्लास मित्रों यहीं तक। अगली वीडियो में लेक्चर नंबर 2 में मैं इसके आगे टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा। आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।